इनका आरोप है कि बीजेपी कुछ कारोबारियों को लाभ देने के लिए इस तरह से पुलिया बना रही है। वहीं पर बीजेपी नेता ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए पुलिया निर्माण की बात कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है। उदयपुर से जी मीडिया संवाददाता अविनाश जगनावत इस खबर पर सीधा जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश, पिछोला झील पर पुलिया का काम शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिया विवादों में गिरती हुई नजर आ रही है। राजनीति इस पुलिया निर्माण पर शुरू हो चुकी है। क्या कुछ समस्या यहां पर आ रही है जिसे लेकर पूरी तरह से आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, और उन आरोपों के बाद क्या कोई असर इस काम पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, करीब पिछले सप्ताह नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने करीब 8,64,00,000 से बनने वाली इस पुलिया का शिलान्यास किया था, और उसी दिन से इसका विरोध शुरू हुआ है। उसका असर ये हुआ है कि अभी तक निर्माण कार्य जो है वो शुरू नहीं हो पाया है, और शिलान्यास के बाद जो स्थिति यथावत है उसको कर ली गई है। तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो हनुमान घाट की ओर के छोर की बात करें या गढ़िया देवरा की, तमाम लोग इस पुलिया के बनाने के विरोध में हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्या लोगों का सोचना है, क्यों नहीं बनाना देना चाह रहे आप पुलिया, जबकि कहा जा रहा है कि इससे यातायात की समस्या का समाधान होगा? भाई, ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आने जाने की जो यहाँ के जो लोग बाग रह रहे हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे क्या। इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं क्या, और हम नहीं बनने देंगे पुलिया यहाँ। आप क्या कहते हैं, क्यों विरोध है? सर, एक्चुअल में ये ओल्ड सिटी है, और इसको अभी से 2 साल पहले, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो इसके लिए एक सामुदायिक भवन बना चांदपुर में, उसको तोड़ा गया, क्योंकि यहाँ के निवासियों के लिए एक ही सामुदायिक भवन था जिसमें आसपास के बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। तो उन्होंने उसको तोड़ा, और उसको एक बच्चों का खेलने का पार्क था उसको भी तोड़ा, और करीबन 50 गाड़ियाँ वहाँ पर पार्किंग हो जाए ऐसी व्यवस्था वहाँ की गई। उसके पीछे जो रीज़न था यही था कि भाई ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ट्रैफिक को चांदपुर से डाइवर्ट कर दिया जाए, और जो टूरिस्ट आता है उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ई रिक्शा चलाया जाए। तो इससे एक तो रोजगार मिलेगा ई रिक्शा चलाने वाले को, और टूरिस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो जितनी भी शॉप्स है अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो आपके जो टूरिस्ट आ रहा है। लेकिन पुलिया का विरोध, पुलिया का विरोध इसलिए सर, मैं वार्ड नौगा निवासी हूँ। हम लास्ट 1 साल से इतना ट्रैफिक से परेशान हो गए, हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, नहीं सुना। उसके बावजूद हम मोहल्ले क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए, हमने वन वे करवाया। हम ये चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार हमारे को वन वे का पास दे रही है जिससे हम ट्रैफिक निजात पा रहे हैं, और वापस वही इस चीज़ को बढ़ावा देके क्या करना चाह रही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये पुलिया जो बनेगी ट्रैफिक बढ़ेगा, अगर इनके हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आज हम ऑटो में बाइक पर लेके हमारे को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि इनकेस अगर डेथ भी हो जाती है, डेड बॉडी चांदपोल तक जाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मतलब इतनी परेशानी के साथ अगर हम वापस जिएंगे रहेंगे कैसे यहाँ पे? आपका क्या कहना है, किस तरह से ये ट्रैफिक की निजात समस्या है उससे निपटा जा सकता है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन है क्या? सर, अल्टरनेट ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं, जो जैसे नगर निगम हमारा जो यहाँ के जो लोग जो कर रहे हैं कि आप चाहें तो ये जो आगे जो रोल जो पुल निकाल रहे हैं, आगे 4-4, 5-5, 6-6 फीट की सिकड़ी गलियां हैं। इस ट्रैफिक को शहर से ट्रैफिक को निकाल के गलियों में डालना ये कोई उचित नहीं है। सेकंड, ये जो पुल जो पैसा लगा रही है गवर्नमेंट या पे जो भी लगा रहे हैं पैसा, उसका भी कोई मतलब नहीं है। यही चीज़ आप चाहें तो ट्रैफिक को सीधा निकाल के आगे अंबा पुल से इसको सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, जो पुल टू पुल कनेक्ट हो जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं है। बट यहाँ हम लोग सभी विरोध करेंगे इस चीज़ का। क्या विरोध जायज़ मानते हैं आप? यहाँ विरोध यकीनन जायज़ ही है। इसका कारण ये है कि और पहले से ही ब्रिज बना हुआ है, और ये 20 फीट की जो पुल बनाना चाह रहे हैं उसका रास्ता आगे क्या होगा, क्योंकि आगे जो 25 गलियां हैं वो 8 फीट की है, उसके आगे और थोड़े जाओगे तो 4 फीट की है, 5 फीट की है, तो उसके दरमियान ये कितने घर इसके अंदर आएंगे, ना तो नगर पालिका ने बताया, ना तो हमारे मेयर साहब ने उसका जिक्र किया है, ना ही नगर विधायक ने उसके बारे में कुछ बताया। कुछ भी चीज़ किसी को भी मालूम नहीं है। ये सिर्फ पुल बनाना चाहते हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा स्थानीय नागरिकों को?